मैं कंट्रोल में जा रही थी तो एक औरत मिली, तो वो अपने घर ले गई मुझे। फिर वहाँ के जगह जाकर फिर उन्होंने मुझे धक्का दे दिया कमरे में। वहाँ पे एक लड़का भी था जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर शोषण। फिर उसने वीडियो बनाया, थोड़ी देर बाद गेट खोल दिया। गेट खोलने के बाद धमकी देने लग गई कि ते अगर तूने किसी को बताया तेरे मम्मी पापा को ऐसे मार दूँगा। फिर मैं मेरे घर आ गई। घर आने के बाद मैंने मेरे मम्मी पापा को बताया। मेरे मम्मी पापा पुलिस में आ गए। वीडियो बनाया उस औरत ने, उसने वायरल कर दिया। कस्बा सोचते हैं कि एक बच्ची आई है, उसने आशा की रिपोर्ट की है कि 15-17 को ये छोटा जीन स्थित कंट्रोल की दुकान देखने गई थी। वहाँ इसको एक महिला जिसे पहचानती है वहाँ मिली। इस पर इस महिला के साथ गई। इस महिला द्वारा जहाँ एक हिरास रहती है वहाँ पुरुष एक लड़का बैठा था। इस महिला ने इस लड़की को कमरे में धक्का दिया, उसके बाद इस बच्ची को जबरदस्ती जमीन पर पटक कर इसके कपड़े खोलकर इसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बलात्कार किया। उस बलात्कार की एक वीडियो इसी महिला द्वारा खिड़की के माध्यम से बना ली गई, उसे वायरल कर दिया गया। अपराध 376, 342 और हरिजन एक्ट, इसके अलावा IT एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। वो इसकी जांच राजपत्र अधिकारी द्वारा की जाएगी।